पर विद्यापति जी को दर्शन दिए थे उगना महादेव, वहीं पर उगना महादेव का तो आप लोग नाम सुने ही होंगे, विद्यापति का पूरा ये बहुत ही है, बहुत मशहूर जगह है अपना मिथिलांचल का, तो खास करके सबसे मशहूर जगह है। संडे को ज़्यादा दूर दूर से लोग आते हैं, बाकी दिन भी लोकल लोग ही आते हैं। बहुत है इनका नाम उधन, बहुत है इनका नाम। सोमवार और रविवार को, और मेला जैसे होता है तो बहुत भीड़ रहता है ज़्यादा। महाशिवरात्रि में यहाँ 3 लाइन लगता है। प्रेम से बोलिए बाबा उग्रनाथ की जय। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गौ माता की रक्षा हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। मिथिलांचल में एक से एक महापुरुष हुए हैं, उनमें महाकवि विद्यापति जी का नाम विश्व विख्यात कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जानते हैं उनको। विद्यापति के यहाँ भोलेनाथ अपना रूप बदल के उनके यहाँ नौकरी करने के लिए आए, तो नौकर जो रखते हैं तो परिचय होना चाहिए। तो विद्यापति जी ने बोले, कहे जो तुम्हारा नाम क्या है, तो कोई उगना कहता है, कोई उदना कहता है, तो परिवार में और कौन सा लोग, तो पत्नी है पर्वतिया है, वो धनवान की बेटी है, नहरे में बास करती है, दो बच्चे हैं, काम क्या कर दोगे, तो जो कहिएगा, जो मालिक का आदेश होगा वो कर देंगे, तो बैल चढ़ा दोगे तो मेरा काम है हम कर देंगे। तो उसी क्रम में जब शिव सिंह के यहाँ जाने लगे, पहले राजा प्रथा था यहाँ पर मिथिलांचल में, चाहे बिहार में चाहे भारतवर्ष में राजाओं की प्रथा थी, तो यहाँ के राजा थे राजा शिव सिंह। राजा शिव सिंह के यहाँ महाकवि विद्यापति जी पंडित थे। राजा शिव सिंह का गढ़ रजवाड़ा यहाँ से 10 किलोमीटर दक्षिण में पड़ता है, भवानीपुर ग्राम के दक्षिण में 10 किलोमीटर पर अवस्थित, और यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर पश्चिम में बिस्वी ग्राम है, जहाँ पर महाकवि विद्यापति जी का ग्राम है। तो इसी रास्ते से पहले कोई सवारी नहीं होती थी, राजा महाराजा हाथी और घोड़े से चलते थे, और साधारण मानव पालकी से चाहे पांव पैदल चलते थे। तो विद्यापति जी और उगना दोनों बिस्वी से चले हैं, यहाँ पर घनघोर जंगल था। इसी क्रम में नारद जी बीच में जाकर के माँ पार्वती जी से बोले, जो त्रिभुवनपति जो त्रिभुवन नाथ त्रिलोकी कहलाते हैं, वो मिथिला पुरी में जाकर के महाकवि विद्यापति के यहाँ नौकर बन के काम कर रहे हैं, जो त्रिलोकी स्वयं कहलाते हैं वो नौकर बन के काम कर रहे हैं। तो माँ पार्वती दो अपनी दूत जो है उनको भेजे हैं, एक पिपासा और एक अभिमान, जिनको क्रोध के नाम से जाना जाता है। तो पिपासा इसी जंगल में भटक रही थी, भेजी माँ पार्वती, और विद्यापति जी और उगना दोनों इसी जंगल के रास्ते से जा रहे थे। तो यहाँ पर विद्यापति जी को प्यास लगी, और उन्होंने उगना से बोले, जो जल थोड़ा लाओ, कंठ सूख रहा है। तो भोलेनाथ थे, ये तो देखे जो जल इस इलाके में नहीं है, इनको प्यास लगी है, इनको जल ला के पिलाना है, तो गंगा को आवाहन किए हैं, जटा से गंगा जल ला कर के दिए हैं। तो जब गंगा जल पान किए, जल पान किए हैं, जल जब पान किए तो उनको गंगा जल का स्वाद लगा, क्योंकि विद्यापति जी नित्य रोजाना गंगा जल ही पान करते थे, इसीलिए स्वाद को वो समझे। जो कि अभी भी अवस्थित है यहाँ पर तालाब के नज़दीक में, चंद्रकूप के नाम से जाना जाता है, वहाँ से जल भर के शिव जी को भोलेनाथ उगना को चढ़ाया जाता है, साक्षात गंगा जल है, प्रमाणित है। जैसे गंगा जल को बोतल या कोई बर्तन में रख दीजिएगा, कीड़ा मकोड़ा नहीं, गंदगी नहीं फैलती है, उसी तरह इस चंद्रकूप का जल है। और गंगा जल पीने के बाद विद्यापति जी ने नौकर रूपी जो शिव थे उनका पाँव पकड़ लिए, और अन्य विनय करने लगे, जो आप तो
मानव नहीं हो, देव हो कि दानव हो, कौन हो आप भेद, तो वो भोलेनाथ जो थे नौकर के रूप में, वो उनको जो भेद बताने से हिचकचाने लगे, लेकिन पाँव पकड़ लिए। उसके बाद शर्त कराए हैं और दर्शन, शर्त कराने के बाद जो मेरा भेद खोलिएगा नहीं, तो दर्शन यहीं पर विद्यापति जी को साक्षात्कार हुई है और भोलेनाथ अपना रूप यहीं पर मैं अवश्य दर्शन दिए। वही स्थान है, ग्राम भवानीपुर पंडोल ब्लॉक में, मधुबनी जिला में पड़ता है। और मंदिर, मंदिर यहाँ शिव पहले से भी थे, जो कि वेद में आता है, नमः सभा भ्य सभा पति भ्य वो नमो नमः उगना भ्यस हर्षि व्यास वो नमो नमः, जो कि शुक्ल आयुर्वेद की 5वें अध्याय के 24 मंत्र है, उनमें भी इनका नाम आता है। तो इनको दर्शन दिए और जल पिलाए, वही स्थान है, महादेव पहले से भी थे। और मंदिर तो राजा कामेश्वर सिंह दरभंगा महाराज के द्वारा कुछ अंश पैसा रुपया मिला, उसके बाद 36 गांव के चंदा से, जो कि लगभग उस समय में 6000 कुछ रुपया कुछ पैसा से मंदिर बना। अब तो ये ट्रस्ट में धार्मिक न्यास पटना में चले गए हैं और इनका देख रेख ग्रामीण जो हैं कमेटी के द्वारा हो रहा है। जय भोलेनाथ।